सीमा मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आवर टुडेज योगा ट्रेनर मिसेस नूतन मंगेश, डायरेक्टर मनुश्री योगा सेंटर पुणे, रिस्पेक्टेड एलिमनी प्रोफेसर, माई कलीग एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 6th इंटरनेशनल योगा डे 2020. द थीम ऑफ योगा डे 2020 इज वर्क, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, विच टुक इन टू अकाउंट द प्रेजेंट नीड टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग. द योगा विच इज ग्रुप ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया. Yoga has been practicing for more than 5,000 years in India. Being Indian, we all know the importance and benefits of yoga, but by the time the whole world has recognized the importance and benefits of yoga, and in this line, International Day of Yoga has been celebrated on every year, 21st of June, since 2015, following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. The word yoga, meaning of yoga, is to join and to bring together. Yoga brings together the physical and mental discipline to achieve a peaceful mind and healthy body. I think all of us get stressed some way or other way due to present lifestyle and working culture. Students face a lot of depression, pressure, and anxiety due to variety of reasons. Yoga is one of the best way to eliminate these pressure, depression, and anxiety. Practicing yoga keeps mind fresh, active, and our body healthy at free of cost. Yoga helps our brain to synchronizing its left and right side. It also stimulates thinking process and increase mental energy. Dear student, yoga longers the attention span and improves concentration. In this period of pandemic, everyone is talking about improving immunity to be able to fight with corona. Yoga is one of the ways to improve immunity. Our college emblem carries a line, Yoga Karmashu Kaushalam. This line also defines the yoga. Karm me kushalta hi yog hai. Matlab, man, buddhi evam sharir. In teenon ko ek saath sahi tarike se jodkar jab hum koi karya karte hain, तो निश्चित ही उस कार्य में सफलता मिलती है या संपूर्ण दक्षता प्राप्त होती है. एट लास्ट बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ. थैंक्स. थैंक्स मैम फॉर योर मोटिवेशनल स्पीच अबाउट द योगा, दैट इज कर्म से ही योग और कर्म से ही सफलता की प्राप्ति होती है. अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए तथा स्वागत संबोधन के लिए संस्था के प्राचार्य डॉक्टर बी एस चावला सर को ऑनलाइन मंच पर आमंत्रित करता हूं टू से अबाउट फ्यू वर्ड्स. थैंक यू मनीष. यस सर. आज इंटरनेशनल योगा डे में उपस्थित योगा ट्रेनर मिसेस नूतन, ऑल फैकल्टीज, मेरे कलीग्स, डियर स्टूडेंट्स, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है और इसके महत्व को सबको स्वीकार्य बनाया है. ये स्पष्ट है कि हम कुछ भी करना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक नीड है, वी मस्ट हैव हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ओनली देन वी कैन डू एनीथिंग. और हेल्दी रहने के लिए अब जब पेंडेमिक सिचुएशन है, जिस समय हमारे सारे स्टूडेंट्स जो कि
फ्री बर्ड्स की तरह थे, स्वच्छंद थे, उनके व्यक्तित्व का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा था, पर उन सबकी जगह वो अपने कमरों में कन्फाइंड हो गए हैं, अपने घरों में कन्फाइंड हो गए, किसी से फिजिकली उनकी बातचीत ही नहीं हो पा रही है और सिर्फ वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं। ऐसे स्थिति में उनको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस है, मेंटली दे आर इन डिलेमा, क्या होने वाला है उनको पता नहीं है। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए जो हजारों वर्षों से सर्वमान्य एक पद्धति थी योगा, आज हम उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और सारे स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि किसी भी तरह की डिजीज के लिए कौन सा पॉस्चर बेस्ट होगा, उसको किस तरह से किया जाए। हम लोग देखते हैं अलग अलग स्कूल्स अलग अलग तरह से योगा बताते हैं। नूतन मैडम की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं। इन्होंने योगा तो ट्रेनिंग ली ही, साथ में डायटिशियन का, नेचुरोपैथी का, पेन मैनेजमेंट का, बहुत सारे इन्होंने कोर्सेस कर रखे हैं, तो इनको ये बहुत क्लियर पता है कि किस तरह के पॉस्चर को किस तरह से करना है हमको। और साथ में मेन फोकस उनका ब्रीदिंग पे है, काउंट ब्रीदिंग, वो आज हमको सबको सिखाएंगी। और हमारा फोकस होना चाहिए कि किसी भी योगा को करते समय, किसी भी आसन को करते समय ब्रीथ काउंट कैसे करना चाहिए, आज हम लोग सबको सीखेंगे। इन शब्दों के साथ नूतन मैडम आपका स्वागत है, आप कार्यक्रम स्टार्ट करें। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के योग दिवस के हमारे जो बीच उपस्थित हैं श्रीमती नूतन मंगेश मैडम को मैं योग प्रशिक्षण के लिए इस ऑनलाइन मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। मैडम क्या सारे वीडियो ऑन रहेंगे सबके, ताकि मैडम देख सकें कौन क्या कर रहे हैं, नहीं तो उनको पता नहीं चल पाएगा। मैं सभी फैकल्टी स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट हैं हमारे बीच जो ऑनलाइन उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि सभी अपने वीडियोस ऑन कर दें, ताकि मैडम के जो प्रशिक्षण है मैडम आपको गाइड कर सके क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए, उसके बारे में मैडम आपको सीधे सीधे टेक से देख सके। तब तक मैं सर सभी से ये गुजारिश करूंगा कि मैम एक ऑप्शन आता है पिन करके, आप मैम के जो स्क्रीन है उसको आप पिन कर लेंगे ताकि वो मैम पूरे स्क्रीन में क्लियर दिखे। एक बार मैं फिर सबसे गुजारिश करूंगा कि मैम के नाम के आगे ऑप्शन होगा, उसमें पिन का ऑप्शन होगा, सब अगर मैम को पिन कर लेंगे तो पूरे स्क्रीन में सिर्फ मैम दिखेंगी और मैम को हम लोग भी सब दिखेंगे। नमस्कार, ये किसी के भी वीडियो पर राइट क्लिक करके भी आ जाता है ऑप्शन, आप जी सर के जो मैम का जो बॉक्स आ रहा है उस पर जाके राइट क्लिक करिए, वहां पिन और अनपिन ऑप्शन आएगा। बाकी सब लोग अपना वो वॉइस को म्यूट कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम, प्लीज स्वागत है। वॉइस थोड़ी लाउड।
क्लियर है अभी? यस मैम। ओके हाँ यस मैम क्लियर। अब सब लोग अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है फर्स्ट। वज्रासन, सुपासन, पद्मासन, एनीवन, बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। फोकस ऑन योर एब्डोमेन फर्स्ट। वी स्टार्ट गायत्री मंत्रस। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर एब्डोमेन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। सब लोग मेरे साथ खोलेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, स्टार्ट गायत्री मंत्रस।
1, 2, and 3. Holding and breathing normal. Hold your posture. Maintain. 5, 4, 3, 2, 1. Come back in center and slowly hands down. Other side. Inhaling, hand up. Bend it. 1, 2. Body exercise करते time पे completely lose your body. Body को completely lose रखना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back in center and slowly hands down. Both hands rest. Slowly arch your back. Inhaling arch and exhaling front. Go straight. Rotate your shoulder and bend it. Feel the stretching from your hamstring. Again, one more time. Inhaling arch your back and exhaling front. Come back. Next practice. Marching. Elbows touch to waistline. Palm facing down. Then march. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keep it high. Side march. Interlock your hands and hands back. Side march. Knee up. Try to touch your elbows. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly hands down. Take distance between the leg. Turn your feet, right side, left feet, left side. Inhale, raise your hands up. Interlock your finger and stretch it up. Stretch it up and slowly down. आप जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करना है जो आपकी नी से कंप्लीटली साइड ट्विस्ट होंगे. अगर आपकी नी फ्रंट में ट्विस्ट होगी तो आपकी नी पर प्रेशर आएगा. इसमें सिर्फ आपकी इनर थाइस का स्ट्रेच करना चाहिए.
क्लींजिंग प्रोसेस एब्डोमेन एक्सरसाइज. कपालभाति अगर हम करते हैं तो हम हमारे बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं. तो ये कपालभाति आपको प्राणायाम नहीं माना जाता, आपके सेल्स के बीच भी जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करना आपके एब्डोमेन मसल्स को, आपके एब्डोमेन मसल्स को मसाज करना, आपके पैनक्रियास किडनीज लीवर जो है उसको अच्छे से मसाज करके आपकी जो एक्सेल थ्रू टॉक्सिन्स थ्रो हो सकते हैं उनको थ्रो करता है. साइमल्टेनियसली आपकी जो टॉक्सिन चिपके हुए है उसको फ्लश आउट करता है. सो कपालभाति हम करेंगे तो पहले नैन मुद्रा में रखना है. फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ, स्लोली ब्रीथ आउट. फर्स्ट 5 स्ट्रोक में करके बताती हूं आप सबको. आप देखना है इसमें आप जब स्ट्रोक देते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट लास्ट स्ट्रोक देते हो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो फर्स्ट 5 स्ट्रोक inhale, exhaling start. तो कपालभाति हमेशा एक्सरसाइज करने से स्टार्टिंग में करनी चाहिए
ताकि आप एक्सरसाइज करने के बाद भी आपकी बॉडी को स्ट्रेच मिलता है, टॉक्सिंस रिलीज होते हैं और फ्लश आउट होने में हेल्प मिलती है। इसलिए कपालभाति हमेशा एक्सरसाइज के पहले करनी है, देन स्टार्ट विद एक्सरसाइज। ओके एवरीवन लाई डाउन, फर्स्ट स्टार्ट विद लाई डाउन एक्सरसाइजेस। स्ट्रेट बैक को ऊपर लेटना है, आप सब लोगों को मैं दिखती हूँ लेटने के बाद। यस मैम, five,
4, 3, 2, 1. Inhale and slowly exhaling down. Relax. Take 1 foot distance. Palm facing upward. Relax. Take a deep breath and slowly breathe out. You breathe in and slowly breathe out. Next practice, bridge pose, Setu Bandhasana, bridge pose. Bend in both the leg. Take distance between both the leg. Shoulder width distance. Close your heels. Touch your heels. Otherwise, hold your ankle. Aapki jahan pe heart touch hote hai, wahan pe touch karna hai. आप एंकल को पकड़ सकते हैं तो एंकल को पकड़ना है या फिर फिंगर से सिर्फ आप हील्स टच कर सकते हैं. देन स्लोली इनहेलिंग रेज योर बैक एंड हिप्स अप. स्लोली इनहेलिंग रेज योर बैक एंड हिप्स अप. कंप्लीटली अप. ब्रीदिंग नॉर्मल. आप इसमें जितना बैक आर्च कर सकते हैं उतना बैक आर्च करना है और ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी. आप जब ब्रेज पोज करते हो, सेतु बंधासन करते हो तो कंप्लीटली ब्लफ आपके थ्रोट फेस की तरफ आता है, हार्ट की तरफ. इससे आपके हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है, इससे आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ती है, थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम कवर हो जाते हैं. इनहेल एंड स्लोली एक्सहेलिंग डाउन. वन मोर टाइम. स्लोली इनहेलिंग रेज योर बैक एंड हिप्स अप. Completely up, breathing normal. Try to touch your chest and chin completely. Itni back ko arch karna hai. Inhale and exhaling slowly down. And set your leg and relax. Again, take a deep breath and slowly breathe out. हम रिलैक्स इसीलिए कर रहे हैं बीच बीच में ताकि आप जब जो एक्सरसाइज जो आसन रिलीज कर रहे हो नेक्स्ट आसन के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए. इसलिए हम हर पोस्चर के बाद थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे. लेग्स टुगेदर. नेक्स्ट एक्सरसाइज पवन उत्तासन विद सिंगल लेग. स्लोली इनहेलिंग रेज योर राइट लेग अप. एक्सहेलिंग बेंडेड नी. Interlock your finger, inhale and exhaling, press your thighs over your abdomen. Pavan Muktasana, Pavan means here and Mukt means release. जब आप Pavan Muktasana करते हो तो आपके body के अंदर वात gases की जो problem है वो reduce हो जाते हैं. Digestion के लिए best है. आपकी इससे आपके abdomen की internal organs को massage मिलती है. Simultaneously आप जितना press करते हो उतना आपके thighs और hips में भी stretch आता है. Breathing normal. Try to touch your knee and chest completely. जिनका knee और chest एक दूसरे को touch होता है और जिन्हें neck pain का issue नहीं है वो लोग shoulder से अपनी neck को उठाएंगे. Slowly inhaling up and touch your forehead, nose, lips या chin. कोई भी एक posture touch करना है आपको जो comfortable है वो. Breathing normal. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale and exhale slowly, neck down. Then release your hand. Inhale, raise your leg up 90 degree. Then exhale slowly, leg down. Same practice. Left leg. Inhale, raise your left leg up. Exhaling, bending knee. Interlock your finger and hold the symbol. Only hold it first. Then inhale. Exhaling, press your thighs over your abdomen. पहले thighs को अपने पेट की तरफ अच्छे से press करना है. Knee और chest completely touch करना है. Then inhaling, raise your neck up. वो भी अगर touch होती तो maintain करना है. अगर touch नहीं होती तो neck relax कीजिए नीचे. अगर आप टच नहीं हो रहे हो आप नेक उठा रहे हो तो आपके नेक में स्प्रेड आता है. सो ब्रीदिंग नॉर्मल. 5, 4, 3, 2, 1.
Inhale, exhaling slowly, neck down. Ease your hand. Inhaling, raise your leg up 90 degrees and slowly leg down. Same practice one more time. Slowly inhaling, raise your right leg up. Exhaling, bend your knee. Interlock your finger. Inhale, exhaling, press your thighs over your abdomen. Breathing normal. Then slowly inhaling, raise your neck up. Maintain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, exhaling, slowly neck down. Then release your hand. Inhaling, raise your leg up. And exhaling, slowly leg down. Left leg. Inhaling up, exhaling bending. Every movement inhale exhale. जितना inhale exhale हो रहा है आपके हिसाब से उतना inhale exhale करना है. But जो हम exercise कर रहे हैं तब inhale exhale के साथ ही करनी है. Interlock your finger, inhale, exhaling, press your thighs over your abdomen completely. Press it. Then inhaling, raise your neck up. Maintain. Breathing normal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, exhaling slowly, neck down. Then release your hands. Inhale, raise your left leg up completely straight. Exhaling slowly down and relax. Take distance. Palm pressing. Towards belly. Close your eyes and focus on your abdomen. Inhale and slowly exhale. Relax your complete body, toes to crown of the head. Slowly, hands and legs together. Everyone, take a right turn. Take a right turn. Relax for a while. And sit. Hamesha right turn leke hi uthna hai. Jab aap lete ho, आपको मॉर्निंग में उठना है, आफ्टरनून में लेटे हो, कभी भी आप जब भी लेटे हो आपको उठना है तो राइट टर्न लेके ही उठना है. लेफ्ट टर्न लेके नहीं उठना है या फिर सीधा नहीं उठना है. उसका साइंटिफिक रीजन ऐसे है, जब आप लेटे होते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो कम्प्लीटली प्रॉपर वे से रहता है. अगर आप सडनली सीधा उठते हो तो आपके बैक के ऊपर हैमर करता है, साइमल्टेनियसली ब्लड सर्कुलेशन कम्प्लीटली आपके ब्रेन को हैमर करता है. कभी कभी हमें जैसे हम फट से उठ जाते हैं तो हमें चक्कर जैसे लगता है या फिर आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ जाता है. उसका रीजन है कि आप फट से उठने के बाद पूरा ब्लड फ्लो आपके ब्रेन के ऊपर हैमर कर रहा है. इसलिए आपको सीधा नहीं उठना है, आपको टर्न लेके ही उठना है. बट टर्न भी ऐसे होता है कि टर्न लेके उठना है तो हम लेफ्ट टर्न ही ले सकते हैं, राइट टर्न ही क्यों लेना है. ऐसा नहीं, हमें लेफ्ट टर्न इसी नहीं लेना है क्योंकि लेफ्ट की सारी लेफ्ट साइड हमारा हार्ट रहता है. उठने के बाद ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ज्यादा रहने के वजह से हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर ना आए, इसलिए लेफ्ट टर्न नहीं लेना है. ऑलवेज टेक अ राइट टर्न एंड सिट. ओके, देन सिट इन भद्रासन. भद्रासन बटरफ्लाई. बटरफ्लाई सबको बटरफ्लाई पता है. सब लोग बटरफ्लाई कैसे करते हैं आप लोग करके बताइए. राइट, बटरफ्लाई करने के बाद कहां पे स्ट्रेच आता है आपको? जॉइंट में. ये जॉइंट में स्ट्रेच आ रहा है. ओके, बट हमें जब बटरफ्लाई करना है तो हमें फ्लाई नहीं करना है. इसी बटरफ्लाई की पोस्चर है, हमें फ्लाई करते टाइम पे स्लोली इनहेलिंग अप विद ब्रीदिंग के साथ करना है, देन एक्सहेलिंग डाउन. अगेन इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन. आप ब्रीदिंग के साथ करते हो तो कंप्लीटली इनहेल
एंड एक्सहेल करते टाइम पे कंप्लीटली आपकी इनर थाइस को स्ट्रेच आता है. आपकी इनर थाइस के अंदर क्या, हम जब ज्यादा स्टडी करते हैं, ज्यादा टाइम सिटिंग वर्क करते हैं, तो नीचे लोअर बॉडी को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से आता है. इनर थाइस के अंदर की जो ब्लॉकेजेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं. इसे हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है. इसमें कम्प्लीटली आपको लो बैक पुश करनी है. इसमें बैक स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर एक्सपांड रहेगी, आपका पोस्चर करेक्ट रहेगा, आपकी ब्रीदिंग, इससे लंग्स कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. जैसे आपकी ब्रीदिंग अच्छी से हो, लंग्स कैपेसिटी अच्छी से है, तो आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है. तो ब्रीदिंग अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है. तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है. तो आपको स्लोली इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन एंड प्रेस योर थाई. नीचे पैर को नीचे प्रेस नहीं करना है, आपको थाई से नीचे पुश करना है. 5 सेकेंड होल्ड कीजिए. 5, बैक से सीधा बैठिए. 5, 4, 3, 2, 1. अगेन इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन. 5, 4, 3, 2, 1. इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन. 5, 4, 3, 2, 1. इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. बटरफ्लाई में भद्रासन के पोस्चर में स्लाइटली लेग फ्रंट, धीरे से थोड़े से पैर आगे लेने हैं और कंफर्टेबल बैठना है. इसमें बट बैक स्ट्रेट रहेगी, रिलैक्स नहीं करना है, सिर्फ बैठना है. एक हाथ अंदर रखना है साइड में. हम भद्रासन में करेंगे भद्र कोणासन. इसे भद्र कोणासन इसलिए बोलते हैं कि हम बटरफ्लाई पोस्चर में साइड में बेंड करते हैं, इसे ट्राइंगल शेप आता है, इसलिए इसे भद्र कोणासन बोलते हैं. तो वन हैंड इन, वन हैंड साइड, स्लोली इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स अप. जो हाथ साइड में उसको ऊपर उठाना है कम्प्लीटली अपने ईयर के लेवल में. देन एक्सहेलिंग स्लोली बेंड, जो फ्रंट एल्बोज है वो बेंड करना है. एंड देन बेंडिंग, ऊपर वाला हाथ कम्प्लीटली स्ट्रेट रहेगा, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी. 5, 4, आपके कम्प्लीटली आर्म्स, वेस्ट लाइन और बैक में स्ट्रेच आएगा. 4, 3, 2, 1. Slowly come back in center and then slowly hands up. Same practice other side. Slowly inhaling, raise your hands up. Then exhaling, bend it. Front elbow bend. Breathing normal. Maintain. 10. Breathing normal. Arms straight. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come back in center and hands down. Relax and sit in Vajrasana. Everyone, sit in Vajrasana. Comfortable posture, Vajrasana. वज्रासन से हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है. तो आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आपको जब भी टाइम मिले तो आपको वज्रासन में कंपलसरी बैठना है एटलीस्ट 20 मिनट्स. बट आज आप बैठना स्टार्ट करोगे 20 मिनट्स नहीं बैठ पाओगे. खाना खाने के बाद खुद की बॉडी खुद के लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाती है, इसलिए आप लोग 2 मिनट से या फिर 1 मिनट से स्टार्ट करना है. आप आज 1 मिनट बैठे हो, सेम प्रैक्टिस टूडे करेंगे आप कि 1 मिनट ही बैठना है. थर्ड डे में उसमें 1 मिनट या 30 सेकेंड ऐड करोगे, फिर आप में उसमें 2 मिनट्स हो जाएंगे. तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको 20 मिनट्स तक जाना है, तभी आपकी वो बॉडी वो चीज एक्सेप्ट कर पाएगी. बट आप एक ही दम में आप 20 मिनट्स बैठोगे तो वो चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके एंकल में पेन आएगा. इसलिए धीरे धीरे टाइम को बढ़ा के आपको कंपल्सरी वज्रासन में बैठना ही है. ओके, क्योंकि हर एक कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारे पेट से स्टार्ट होती है. अगर डाइजेशन आपका अच्छा है तो आपकी इंटरनल जो इम्यूनिटी वो स्ट्रांग होती है. तो इससे डाइजेशन अच्छा होना चाहिए. इसलिए वज्रासन में आप सबके लिए आज से फॉलो करना कि आज हम सब लोग खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठेंगे करके. ओके, अभी हम वज्रासन में करेंगे पर्वतासन. हैंड्स बिसाइड योर बॉडी. स्लोली low back push in front, expand your shoulder, hands beside your body.
स्लोली, सबको डिफिकल्ट जाएगा वज्रासन में इतने टाइम बैठना, बट थोड़ा सा बेयर करना है, 10 सेकंड हम मेंटेन करेंगे। स्लोली इनहेलिंग, रेज योर हैंड्स अप, इनहेलेशन एंड रेज योर हैंड्स अप साइमल्टेनियसली, एक्सहेल कंप्लीटली एंड स्ट्रेच योर आर्म्स, जॉइन योर पाम्स एंड स्ट्रेच। इसमें एल्बो कंप्लीटली ऐसे फोल्ड नहीं होने चाहिए किसी के, एल्बो कंप्लीटली स्ट्रेट। आप जितना हाथ सीधा स्ट्रेच करोगे उतने आपके आर्म्स बैक के ऊपर स्ट्रेच आएगा। फील द स्ट्रेचिंग इफेक्ट योर आर्म्स एंड बैक कंप्लीटली ब्रीदिंग नॉर्मल। 5, 4, 3, 2, 1 इनहेल, एक्सहेलिंग स्लोली हैंड्स डाउन। जब हाथ नीचे लाते हैं तो पाम्स और हैंड्स में नमनेस आती है। अगर आपके पाम्स और हैंड्स में नमनेस आती है तो दैट मींस आपने जो एक्सरसाइज की है वो करेक्ट की है। अगर आपके हाथ और पाम्स में अगर नमनेस नहीं आती है, जो आपने फाइनल पोस्चर मेंटेन किया था वो रॉन्ग था, क्योंकि जब हाथ आप ऊपर लेके जाते हो तो पूरा ब्लॉक आपके नीचे के पार्ट की तरफ आता है। जब आप स्ट्रेट हाथ नीचे लाते हो तो इससे कंप्लीटली ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे से आता है हाथ में, तो उसके लिए थोड़ी सी झुनझुनी या फिर नमनेस आता है, तो आपके बॉडी के हाथ के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस को रिड्यूस करता है। जब हाथ आप ऊपर लेके जाते हो तो ऑटोमेटिकली शोल्डर एक्सपांड हो जाता है, इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है। हमें एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके एक्सरसाइज करनी है, यानी आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ती है। ये बैक के लिए बेस्ट है ही, बट आपकी इम्यूनिटी और आपकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो सेम प्रैक्टिस वन मोर टाइम करेंगे। स्लोली इनहेलिंग रेज योर हैंड्स अप, स्लोली जॉइन योर पाम्स एंड स्ट्रेच योर आर्म्स। ये फाइनल पोस्चर माउंटेन जैसे होता है इसलिए इसे पर्वतासन बोलते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल, 10, एल्बो स्ट्रेट, 9, 8, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 Inhale, then exhaling slowly straight hand down. Slowly straight hand down and feel the stretch and relax. Next practice, Yoga Mudra. Yoga Mudra, thumb inside and make a fist. Thumb inside and make a fist. Hand placed on your abdomen. जो आपके हैंड से आपके नेवल के साइड में एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसमें आपको हाथ को ऊपर भी नहीं लेना है, नीचे भी नहीं लेना है। नेवल के एग्जैक्ट साइड में आपके हाँ फिस्ट रहेंगे। इनहेल करना है, देन एक्सहेलिंग स्लोली लोअर बैक से बेंड इट, स्लोली बेंड इट। अगर झुक रहे हो तो पीछे से हिप बिल्कुल भी उठने नहीं चाहिए। हिप स्ट्रेच करके आप जितना बेंड कर पाते हो उतना बेंड करना है। Then elbows down, maintain. Try to touch your forehead. Breathing normal, maintain. 5, 4, 3, 2, 1 Slowly come back in center. Inhaling up, first neck, shoulder, chest, and then abdomen. हम जिस order में गए थे उसके reverse order में आना। ओके, जब आप योग मुद्रा में नीचे बेंड करते हो तो पूरा ब्लड फ्लो आपके फेस थ्रोट के ऊपर आता है। इससे आपके आंखों का नंबर कम होता है, आपके थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम कवर होते हैं, हेयर लॉस के लिए बेस्ट है। इससे आपके एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है पैनक्रियास किडनी से, तो आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, कि सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। वन मोर टाइम, अगेन इनहेल and exhaling slowly down. जितना slowly नीचे जाओगी उतना ही slowly ऊपर आना है, इसलिए slowly bend it and touch your heels and hips completely. Bend it, breathing normal, breathing normal कीजिए। maintain करते वक्त कोई भी posture में breathe hold नहीं करनी है। 5, 4, 3, 2, 1 slowly come back in center. And relax and release the Vajrasana. Vajrasana को release कीजिए और anchor movement clockwise and anti-clockwise.
क्लॉकवाइज, आप बैक सीधी रहेगी, आप पीछे हाथ सपोर्ट लेके कीजिए, बैक सीधी रहेगी आपकी, एंड देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इनहेलिंग पॉइंट योर टोज एंड एक्सहेलिंग रिलैक्स, इनहेलिंग पॉइंटेड, एक्सहेलिंग रिलैक्स, अगेन इनहेलिंग पॉइंट, एक्सहेलिंग रिलैक्स. Okay, then start. Standing exercise. Stand. Standing में हम लोग करेंगे तारासन, कार्मन्स थ्री, थ्री पोज. इसमें हम थ्री लेवल है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री. लेवल वन, लेवल टू जो है वो इसमें आपको हील्स रेज नहीं करने, ओनली हैंड्स अप करने हैं. तो इसमें आप टेक डिस्टेंस रहेंगे, टोज और हील्स वन लाइन, टोज एंड हील्स वन लाइन. मोस्टली हम लोग खड़े रहते हैं तो हील्स अंदर की तरफ रहते हैं, टोज बाहर की तरफ रहते हैं, नॉर्मली ऐसे ही खड़े रहते हैं. बट हम जब ताड़ासन करें तो आपके टोज एंड हील्स कंप्लीटली वन लाइन. फोकस ऑन योर सिंगल पॉइंट, एक किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करना है कंप्लीटली. देन स्लोली इनहेलिंग रेज योर हैंड्स अप, स्लोली inhalation and raise your hands up simultaneously, completely stretch it up, maintain palm जो है आपकी completely एक दूसरे की तरफ रहेंगे और stretch करना है. जितना elbows and ear का distance है उतना दोनों palms का होना चाहिए और waist से हाथ खींचना है. अब हम लोग हाथ खींचते हैं spinal mostly तो shoulder से खींचते हैं ऊपर, हमें shoulder से नहीं खींचना है, कमर से हाथ खींचना चाहिए. तो शोल्डर रिलैक्स रखना है एंड देन स्ट्रेच योर आर्म्स कंप्लीटली, आर्म स्ट्रेच इट अप, आपके आर्म्स बैक में स्ट्रेच आएगा ब्रीदिंग नॉर्मल. हाथ ऊपर खींचने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नेचुरली ब्रीथ होल्ड होती है, आपको उसको नॉर्मल रखना है. वो नेचुरली होल्ड होती है क्योंकि आप हाथ स्ट्रेच करते हो तो वो कंप्लीटली ब्रीथ के ऊपर उसका इफेक्ट होता है. इससे लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, इससे स्ट्रेस लेवल कम होते हैं. ब्रीदिंग नॉर्मल, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, then exhaling slowly, hands down. Palm facing down and slowly hands down. Level 2, slowly. Inhaling, raise your hands up. Palm facing front. Palm facing front and stretch your arms. हाथ कंप्लीटली सीधे रहेंगे कान के लेवल में और ऊपर देखिए चेक करना है कि आपके दोनों हाथ का डिस्टेंस सेम है क्या, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि एल्बो क्लोज होते हैं और पाम्स सबके बाजू में होते हैं. तो आर्म एल्बोज एंड शोल्डर शुड बी वन लाइन एंड स्ट्रेच इट अप, पाम फेसिंग फ्रंट. 5, 4, 3, 2, 1. इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल. थर्ड लेवल ताड़ासन, इसमें आपको इनहेलेशन, रेज योर हैंड्स अप एंड साइमल्टेनियसली स्टैंड ऑन योर टोज, तीनों चीजें एक साथ करनी है. ओके, देन अभी इसमें क्या करेंगे कि टोज को क्लोज करेंगे ताकि आपके दोनों हील्स एक साथ एक ऊपर उठे, क्योंकि इसमें हील क्लोज एंड टोज आउटवर्ड, क्योंकि आप जब हील्स उठाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो शोल्डर में डिस्टेंस है उतना लेग्स में आता है, इससे आपकी बॉडी को इक्वल बैलेंस करती है. तो इसलिए ले ली हील्स क्लोज, toes outward, slowly inhaling, raise your hands up, simultaneously stand on your toes, exhale, interlock your finger and inhaling, stretch it up, finger ko interlock with my hands and stretch it up, completely stretch it up, palms ko upar ki taraf stretch karna hai, interlock karke, breathing normal. Maintain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release your hand, inhale and exhale slowly, hands and leg down. Half up back, dono heels dono niche ek saath aane chahiye. Same practice one more time, slowly. Inhaling, raise your hands up, simultaneously stand on your toes, exhale, interlock and stretch them.
कंप्लीटली स्ट्रेचिंग तक, इसमें आपके टोस टू फिंगर फुल बॉडी में स्ट्रेच आता है, इससे जॉइंट के लिए बेस्ट है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग नॉर्मल, 5, 4, 3, 2, 1, release your hand, inhale, then exhale slowly, hands and get down, slightly distance, shoulder width distance, shoulder and hips, pose and this one line. शोल्डर से बाहर बिल्कुल भी पैर नहीं जाने चाहिए, कम्प्लीटली शोल्डर में, आपका शोल्डर का जितना डिस्टेंस है उतना ही आपके पैर के डिस्टेंस होना चाहिए, ब्रीदिंग नॉर्मल। हम करेंगे अभी साइड बेंडिंग चक्रासन। साइड बेंडिंग हाफ चक्र बनता है साइड में बेंड करने के बाद, इसलिए इसे साइड बेंडिंग चक्रासन बोलते हैं। तो स्लोली इनहेलिंग, रेज योर राइट हैंड अप, स्ट्रेच इट अप, कम्प्लीटली स्ट्रेच इट अप, देन एक्सहेलिंग बेंड बैलेंस। आप जितना बैंड कर सकते हैं उतना, बट आप फेसियल आगे नहीं झुकना है, नीचे वाला जो हाथ है वो आपके नी के बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड नी के बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर वाला हाथ बैंड कर स्ट्रेच करना है, सीधा होना चाहिए, पाम फेसिंग डाउन, ब्रीदिंग नॉर्मल, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली कम बैक इन सेंटर, स्लोली हैंड्स डाउन। बहुत सारे लोगों ने, आप राइट साइड हैंड ऊपर है, लेफ्ट साइड है बेंड किया है हम लोगों ने, तो पूरा वेट लेफ्ट साइड के बेल्ट के ऊपर डाला है, पूरा बॉडी वेट लेफ्ट साइड ही है, ऐसे नहीं करना है, हम इसमें सिर्फ अपर बॉडी यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ अपर बॉडी बेंड करनी है, लोअर बॉडी कम्प्लीटली स्ट्रेट, दोनों बॉडी पैर के ऊपर इक्वल बैलेंस होना चाहिए, ओके। इनहेलिंग रेज योर लेफ्ट लेग अप, सॉरी लेफ्ट हैंड अप, stretch it up, completely stretch it up, then exhaling bend, bend it, right hand completely relax रखना है, उसका weight बिल्कुल भी पैर के ऊपर नहीं डालना है, कमर को बिल्कुल भी ऐसे push नहीं करना है, आप जब push करते हो तो completely एक पैर के ऊपर weight आता है, कमर completely straight, only bend your upper body and feel the stretching effect in your arms, waistline, completely, breathing normal. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come back in center. Slowly hands down. हम लोगों को जब ज्यादा स्ट्रेस रहता है ना, मोस्टली आपकी नेक एंड शोल्डर पेन करना स्टार्ट करती है, क्योंकि वो उसका रीजन ये होता है, जब आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, ज्यादा बैठते होते हो, ज्यादा वर्क मतलब सिटिंग वर्क है, तो आपकी कंप्लीटली शोल्डर जो लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ता है, वो अपने आपके कम्प्लीटली शोल्डर और नेक में स्टक होता है, उसको जब तक हम लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तब तक वो फ्लश्ड आउट नहीं होता है, उस मसल को छोड़ता नहीं, इसलिए हम मोस्टली नेक कभी उसके बाद हमें सर्वाइकल पेन स्टार्ट होता है, इसीलिए आपको जब भी आपको लगे कि आपको स्ट्रेच से आपको नेक और शोल्डर कम्प्लीटली टाइट हो गए, कम्प्लीटली स्टिफ हो गए, तो आपको ताड़ासन करना है, साइड बेंडिंग करना है, इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, आपका जो शोल्डर और नेक भी रिलैक्स हो जाती है। सेम प्रैक्टिस वन मोर टाइम, स्लोली इनहेलिंग रेज योर राइट हैंड अप, स्ट्रेच इट अप, देन एक्सहेलिंग बेंड, सिंपली बेंड, स्ट्रेच योर आर्म्स, मेंटेन, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली कम बैक इन सेंटर, देन हैंड्स डाउन, अदर साइड, अगेन इनहेलिंग हैंड अप, stretch it up, then bend it, breathing normal, arms are here one line, हाथ आगे भी नहीं होना चाहिए और हाथ पीछे भी नहीं होना चाहिए, arms are here one line, maintain, 5, 4, 3, 2, 1, slowly come back in center, then hands down, breathing normal, next practice Vrikshasana, Vrikshasana three pose, one leg four bend it, जिनका बैलेंस नहीं हो रहा है सपोर्ट लेके खड़े रहिए, पहले डायरेक्टली खड़े रहोगे तो बैलेंस नहीं कर पाओगे, थोड़ा सपोर्ट लीजिए वॉल का, साइड का, आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे कोई सपोर्ट है, खड़े रहने के लिए पहले सपोर्ट लेना है, दूसरे पैर की वो प्रेस रखता है, सिर्फ सिंपली पैर रखोगे तो नीचे स्लिप होगा, पैर को अपने थाइस की वो प्रेस करना है कम्प्लीटली, तो फिक्स हो जाएगा वहां पे,
एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, बैलेंस बन जाएगा. शोल्डर एंड नी शुड बी वन लाइन. आपका बैलेंस हो जाए एक पैर के ऊपर, देन स्लोली हैंड्स अप पैलो टू शोल्डर लेवल. पहले शोल्डर लेवल तक हाथ लेना है. एक पॉइंट पे फोकस रहेगा. आपको लगे यहाँ पे भी मेरा बैलेंस हो चुका है, देन अगेन इनहेलिंग हैंड अप एंड जॉइन योर पाम्स. फाइनल मोशन में पाम्स जॉइन करना है. ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, exhaling slowly, hands down, then leg down. Other side. पहले जो हमने ताड़ासन किया वो भी थ्री पोज है, बट ताड़ासन का भी स्ट्रेट रहता है, टारगेट भी स्ट्रेट रहता है. हम जो कर रहे हैं वृक्षासन, जिसे ब्रांच रहते हैं उसे वृक्ष कर रहे हैं हम, इसे वृक्षासन. प्रेसिंग फोकस फोकस, देन स्लोली इनहेलिंग हैंड अप जॉइन मेंटेन. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, exhaling slowly down. इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इससे आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहता है, आपके लेग स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आपके जॉइंट के लिए बेस्ट है. इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ साथ आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी बढ़ती है. आपका फ्रोजन शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है. अभी हम लोग सेम प्रैक्टिस वन मोर टाइम करेंगे. लेग प्लेसिंग फोकस बैलेंसिंग slowly up maintain inhalation up 5, 4, 3, 2, 1 inhale exhaling down. जिनका जहां पे मेंटेन हो रहा है वहां पे मेंटेन कीजिए. इसे कंपलसरी नहीं है कि सबके हाथ ऊपर जाना चाहिए. फर्स्ट ये कंपलसरी है कि आपको बैलेंस आना चाहिए. बैलेंसिंग कंपलसरी है, तो जहाँ पे जिनका बैलेंस हो रहा है वहां पे मेंटेन कीजिए. जिनकी हम बैलेंस कंप्लीटली हो रहा है वो हाथ ऊपर लेके जाइए. मेंटेन 5, 4, 3, 2, 1. सब बस गिरना नहीं है किसी को. एंड डाउन सिट. अपने अपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है. मैं वज्रासन में बैठी हूँ इसका मतलब आपको वज्रासन में बैठना नहीं है. आप जिस पोस्चर में कंफर्टेबली बैठ सकते हो उस पोस्चर में बैठना है, बट बैक स्ट्रेट रहेगी. बैक कंप्लीटली स्ट्रेट. अभी हम करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक. आपको सर ने बताया है ब्रीदिंग, क्योंकि जो योग का जो बेसिक बेस है जो वो है ब्रीदिंग. क्योंकि आप एक्सरसाइज भी करते हो ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड है, आप प्राणायाम भी करोगे ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड है, आप कपाल क्लींजिंग प्रोसेस भी करोगे योगा की कुछ, तो उसमें भी ब्रीदिंग ही इम्पोर्टेंट है. आप प्राणायाम करोगे, मेडिटेशन करोगे, कोई भी चीज करोगे तो उसमें ब्रीदिंग इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट हम ब्रीदिंग टेक्निक से स्टार्ट करेंगे. ब्रीदिंग जो है हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग कैसी रहती है, हम जितना इनहेल करते हैं उतना ही एक्सहेल करते हैं, जितना इनहेल करते हैं उतना ही एक्सहेल करते हैं. बट हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए, हम जितना ब्रीदिंग इनहेल करते हैं उससे डबल ऑफ द एक्सहेलेशन हमारा होना चाहिए. मतलब हमारा इनहेल जो है शॉर्ट टर्म होना चाहिए और हमारा एक्सहेलेशन जो लॉन्ग टर्म होना चाहिए. इसलिए हम ब्रीदिंग टेक्निक की जो प्रैक्टिस है वो काउंटिंग के साथ करते हैं. अगर आपने 1-2 सेकेंड तक काउंट, 2 सेकेंड तक आपने इनहेल किया तो 4 सेकेंड तक आपका एक्सहेल रहेगा, 3 सेकेंड तक इनहेल किया तो 6 सेकेंड तक आपका एक्सहेल रहेगा, 4 सेकेंड तक इनहेल किया तो 8 सेकेंड तक एक्सहेल रहेगा. मैक्स टू मैक्स हमें 10 इनहेल 20 एक्सहेल आनी चाहिए सब. एक ही दिन में तो सबको नहीं आएगी, बट उसकी टेक्निक में बताऊंगी तो आपको प्रैक्टिस करने में ईजी जाएगा. तो आप लोग ब्रीदिंग टेक्निक की घर पे भी प्रैक्टिस, इसमें ब्रीदिंग को आपको टाइम निकाल कर भी प्रैक्टिस नहीं करनी है. आपको स्पेशली उसके लिए ब्रीदिंग के लिए टाइम निकालना है, फिर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.
आप पूरे दिन भर में उठने के बाद सोने तक कभी भी एक टाइम आपको ब्रीदिंग करनी है सोने से पहले तक, तो आप चेयर पे करो, काम करते करो, किचन में करो, आप स्टडी करते करते करो, कभी भी कर सकते हैं, बट मोस्ट पूरे दिन भर में आपको होल टाइम नहीं, मतलब होल डेज में आपको कहीं भी टाइम नहीं मिला ब्रीदिंग के लिए, तो आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है रात को लेटने से पहले। आप लेटे लेटे करो, नो इश्यू, आप बेड के ऊपर लेटो फिर ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, बट ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम फर्स्ट करेंगे, पहले सब लोग अपना अपना हाथ अपने एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे और आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चेक करेंगे एक बार। इनहेल के टाइम पे आपके एब्डोमेन की मूवमेंट क्या हो रही है और एक्सहेल के टाइम पे क्या हो रही है, पहले चेक कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, कंप्लीटली रिलैक्स एंड देन प्लेस इट ऑन योर हैंड्स एब्डोमेन एंड स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी अपनी ब्रीदिंग चेक कीजिए, सबकी ब्रीदिंग इनहेलिंग एब्डोमेन आउटसाइड एंड एक्सहेलिंग गोज इनसाइड, ऐसी होती है तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न करेक्ट है। कभी कभी हमारे रॉन्ग हैबिट के वजह से हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज होता है, हम इनहेल करते हो तो पेट अंदर जाता है और एक्सहेल करते हो तो बाहर आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए इनहेल के टाइम पे पेट बाहर और एक्सहेल के टाइम पे पेट अंदर, ये करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न है। सब लोगों की ऐसी हो रही है ब्रीदिंग, जिसकी रॉन्ग हो रही हो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि रॉन्ग को भी हम करेक्ट करेंगे। सबकी सेम है, सबकी करेक्ट है, ओके, किसी का हाथ नहीं ऊपर आया इसका मतलब सबकी ब्रीदिंग करेक्ट है। अभी नॉर्मल हाथ पेट के ऊपर रखना है, मैं काउंट करूंगी इनहेल 1 2, आपको तब तक इनहेल करना है, एक्सहेल 1 2 3 4 काउंट तक एक्सहेल रहेगा, आपको 4 से ज्यादा एक्सहेल हुआ तो भी चलेगा, पर 4 के अंदर मुझे एक्सहेलेशन नहीं चाहिए, मतलब 4 के अंदर एक्सहेलेशन नहीं करना है, 4 से ज्यादा कर सकते हैं। तो एक हाथ पेट के ऊपर रखिए, पूरा फोकस अपने एब्डोमेन के ऊपर दीजिए, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो ब्रीद आउट कर रहे हो उसको फील करना है आपको, आपका पेट की मूवमेंट कैसे हो रही है, आपको ब्रीदिंग को रियलाइज करना है। तो इसके साथ हम पूरा फोकस एब्डोमेन पे देंगे, इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2 3 4, इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2 3 4। आप लोगों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना है, आप लोग इनहेल कर रहे हो ऐसे कर रहे हो, मतलब आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है पूरी सांस चेस्ट में भरी है, हमें चेस्ट में बिल्कुल भी ब्रीदिंग नहीं भरनी है, हमें जो ब्रीदिंग भरनी है हमारे एब्डोमेन में भरनी है, तो सिर्फ आपके एब्डोमेन की मूवमेंट होनी चाहिए और इसे पर्पसली ब्रीदिंग नहीं करना है आप लोगों को, नेचुरल ब्रीदिंग करनी है, सिर्फ काउंटिंग के साथ करनी है, इसलिए रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स ब्रीदिंग कीजिए, स्लोली इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2 3 4, very good, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8,
जब आप फोर्सफुली ब्रीथिंग है एक्सहेल करते हो तो इससे क्या होता है कि हमारे जो नर्स नाक की जो नाक के अंदर जो पतले हमारे के बाल से भी जितने हेयर्स के भी जितने पतले वेंस होती है वो डैमेज हो जाती है। हमें इतनी फास्ट ब्रीथिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है प्राणायाम करते वक्त। हमने जो काउंटिंग ब्रीथिंग सीखी है उसके ऊपर ही हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर बैंडेड, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट, इनहेल 1 2 3 4, close your left nostril, open the right nostril, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, close your right, open the left, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, close the left, open the right, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, close your right, open the left, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale
आंखें खोली नहीं है, ऑटो फायर ऑन, हैंड्स डाउन। मैं आपको जब तक बताती नहीं हूँ तब तक आंखें नहीं खोलनी। तो हम पहले भ्रामरी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ओम चांदी। तो हमारा 5 times भ्रामरी रहेगा, 5 times ओम चांदी रहेगी। तो फर्स्ट प्लग यू ईयर स्टार्टिंग, 4 finger प्लस टू योर क्लोज आईज, एल्बोस पैरेलल टू शोल्डर लेवल, इनहेल एंड एक्सहेलिंग, स्टार्ट हैविंग साउंड, एवरीवन स्टार्टिंग। After 5 rounds, take a deep breath and slowly breathe out. आंखें बंद ही रहेंगी, पूरा फोकस अपने एब्डोमेन ब्रीदिंग पे देना है। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, सिंपली ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट। नेक्स्ट प्रैक्टिस ओम चांदी, इनहेल exhaling, starting again, press it on your closed eyes.
feel the warm sensation. Relax your eyes. Slowly open your eyes, then palm inside. Hand first forehead, cheek, chin, neck region, chest, abdomen and then thighs. इसी वजह से हाथ को नीचे लाना है. जब हमने भ्रामरी और ओम चैंटिंग की, इससे आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो जाती है, का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. साउंड स्लीपिंग के लिए बेस्ट है. मोस्टली साउंड स्लीप नहीं होती, 2-3 आवर्स ही होती है. हम 8 घंटे सोते हैं, बट उसमें से कितने घंटे आप साउंड स्लीप सो पाते हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, इससे आपका कंप्लीटली बैलेंस करता है. आप कितना भी थके हो, कितना भी स्ट्रेस से आप सिर्फ भ्रामरी और ओम भी करते हो, तो भी आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है. मेंटली और फिजिकली कंप्लीटली आपको रिलैक्स करती है. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैडम. ग्रेट टेक ओवर. आज के 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के में हमारे बीच उपस्थित हमारे ट्रेनर श्रीमती सन मंगेश गंधारी मैम को ने जो हमें विभिन्न प्रकार के जो योग के बारे में अवगत कराया और हमें ट्रेनिंग दी, तो निश्चित है कि हमारे महाविद्यालय के जितने भी स्टाफ स्टूडेंट फैकल्टी अपने दैनिक जीवन में योग को अमल में लाएंगे. कार्यक्रम के आगे को अब बढ़ाते हुए मैं हमारे जो 2022 के एलुमनी में सुधारी को फीडबैक के लिए इस मंच पर आमंत्रित कर सर श्रुति का. हाँ, श्रुति का कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो वो नहीं आ पाएगी, उसके वजह मैं ही बुला लेता हूँ बच्चों को. फीडबैक सेशन के लिए मैं कुछ बच्चों को बुलाना चाहता हूँ. उनमें सबसे पहला नाम सुशांत सोनी है. सुशांत 8th semester इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है. वो इस सेशन के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहेगा. सुशांत अपना माइक. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. आवाज आ रही? हाँ, आ रही, आ रही. सर आज का सेशन मैंने किया. माइक ओपन कर लो सुशांत. वीडियो ओपन कर लो. हाँ, वीडियो ऑन कर लो सुशांत. वीडियो ऑन कर लो. सर आज का मैंने सेशन अटेंड किया, बहुत ही अच्छा था. अ लॉट ऑफ पोस्चर्स व्हिच वी डिडंट न्यू अर्लियर हैव बीन टॉट अस टुडे. थैंक यू मैम फॉर ऑल दिस सेशन. And thank you, principal sir. Thank you all professors. Thank you all my classmates for joining today. And the experience was very good. Now I know a lot of postures of yoga. Earlier I was not knowing how to do it. And actually one thing which you pointed out was the focus. Earlier I was doing yoga every day, but the focus was not there. I was like, I have to do some postures and it will give me the, what you can say, serenity. But today you focused on the breathing and the focus on a certain point, which is more important than the posture itself. So it was a very good takeaway from this session. Thank you, ma'am. Thank you, Sushant. अब मैं प्रेक्षा वर्मा को बुलाना चाहूँगा, मैकेनिकल 4th sem की स्टूडेंट. प्रेक्षा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. प्रेक्षा ओके, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है. इसके बाद मैं रितिका पाटिल को बुलाना चाहूंगा जो अभी 2nd sem की स्टूडेंट है सिविल ब्रांच की. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हाँ, आवाज आ रही है, बस अपना वीडियो ऑन कर लो. सर वीडियो ऑन किया है ये. अच्छा, ठीक है.
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड एवरी माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स. टुडेज सेशन वाज वेरी गुड एंड आई थिंक दैट एट दिस सिचुएशन, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्वारंटाइन एंड कोरोना वायरस spread all over the world, so it's very difficult to stay out or go for anything. So it's very good that we had organized an online session for yoga, and today's yoga day, as it is very beneficial that you taught us many asanas and taught us how to do it properly in online session. So it was very good. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Ritika. मैं फैकल्टी में से एक दीपिका मैम को बुलाना चाहूंगा, दीपिका बैरागी मैम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी है. आप मैम, आपके तरफ से क्या फीडबैक है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, यस मैम. आज का दिन योगा से शुरू हुआ है तो बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है. बहुत सारे पोस्चर हमने सीखे हैं एंड सही टेक्निक से कैसे किया जाता है पोस्चर वो मुझे पता नहीं था, तो वो आज मैंने सीखा है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. थैंक यू मैम. मनीष सर, अब आप कंटिन्यू कर सकते. Thank you to all staff and faculty for their valuable feedback regarding these today's sessions. अब मैं इस समारोह के अंतिम कड़ी की ओर हमारे प्रथम वर्ष के प्रभारी और डीन स्टूडेंट वेलफेयर के जीएस के रूप में उनके लिए सेशन के लिए मैं जीएस यूर इनवाइट प्लीज. हेलो, थैंक यू मंडावी जी. रिस्पेक्टेड प्राचार्य महोदय, इमिनेंट योगा ट्रेनर नूतन मैडम, महाविद्यालय परिवार के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा छात्र छात्राएं, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. कोरोना के इस संकट पीरियड में योगा बहुत ही प्रासंगिक है. आज योग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. योग से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. योग से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं. बहुत ही सहज ढंग से योग सिखाने के लिए नूतन मैडम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. प्राचार्य महोदय ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही प्रेरित किया, मोटिवेट किया, इसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. और महाविद्यालय परिवार के समस्त अधिकारी कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मनीष. आज के जो हमारे बीच ट्रेनर उपस्थित है श्रीमती नूतन मंगेश सर, और मैं हमारे संस्था के प्राचार्य चावला सर को मैं चाहे धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी. साथ में हमारे जो विवेक राठौर सर है जो पूरे होस्टिंग की और पूरे यहां व्यवस्था को मैनेज किया, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद से धन्यवाद हूँ. और आप सभी को अपील करता हूं कि सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और एकदम आवश्यकता होने पर ही घर पे निकले, और घर से निकलते हैं तो हमेशा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें. मैं हमारे संस्था के प्राचार्य चावला सर से आदेश अनुसार इस समारोह की समाप्ति की औपचारिक धन्यवाद. सब घर करें. Thank you.
Thank you, Nutan Madam. Thank you to all for very nice presentation. और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में आपके और बहुत से सेशन हम लोग अटेंड कर सकेंगे. फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसमें भी हम लोग चाहेंगे कि आपकी सेवाएं हमको मिले. आज का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और सारे स्टूडेंट्स फैकल्टी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपने जो सिखाया उसको हम रिपीट करें, प्रैक्टिस करें. थैंक यू सो मच. विद दिस प्रोग्राम इज कंक्लूडेड. थैंक यू सो मच. नमस्कार नमस्कार.